malwarecipes.com में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है ग्रेवी वाली भिंडी। इससे पहले भी फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत सारी भिंडी की सब्जी बताई है, लेकिन आज मैं स्पेशल भिंडी की ग्रेवी वाली सब्जी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छी दिखती है। दिखने में और खाने में दोनों में बहुत ही अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं सामग्री बता देती हूँ आपको। फ्रेंड्स, रेसिपीज बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा मालवा रेसिपी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए राइट बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और पास में दी गई बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर रेसिपी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सामग्री में मैंने लिया हुआ है फ्रेंड्स, एक देख सकते हैं ये भिंडी है। मैंने एक पाव लिया है, इसे धो के काट के इस तरह के आपके पीसेस मैंने काटे हैं और जैसे हम भरवा बनाते हैं उसी टाइप को मैंने इसे बीच से चीरा भी लगाया है। आप देख सकते हैं सारी भिंडी को मैंने इस तरीके से काट लिया है और चाहे तो आप चीरा ना लगाएं, लेकिन इसे अगर चीरा लगाएंगे तो ये जो इनका ग्रेवी होती है इनके अंदर चली जाती है फ्रेंड्स, हमें भरने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये एक पाव ली है और मैंने कुछ धनिया पत्ती ली है। इसको फ्राई करने की तेल ज़्यादा लगता है तो मैंने ये आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है और एक कटोरी प्याज है पीसी हुई, एक कटोरी टमाटर है पीसा हुआ और अदरक लहसुन दोनों का पेस्ट है ये 2 चम्मच के लगभग है। और इसमें मैंने खड़े मसाले भी यूज़ किए हैं। खड़े मसाले में मैंने एक तेज पत्ता है, एक ये देख सकते साबुत रेड मिर्ची है और ये देखेंगे ये दालचीनी है, मैंने 1 इंच का लिया है पीसेस और एक छोटी बड़ी इलायची है। और यहाँ पे मैंने ये सारे खड़े मसाले यूज़ किए हैं, जीरा है और ये खसखस के दाने हैं, खड़ा धनिया है, 2 मैंने ये काली मिर्च ली है, जावित्री का फूल लिया है इसमें मैंने, ये खड़े मसाले इसमें लिए हैं ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है अगर आप खड़े मसाले डालेंगे तो। और मैंने गरम मसाला 1/2 चम्मच लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मैंने रेड मिर्च पाउडर लिया है। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है और ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है और अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, हम चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भिंडी है हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो मैंने ये तेल एक तरफ गर्म रख दिया है फ्राई के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा तेल एकदम गर्म हो चुका है और अब हम ये भिंडी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो भिंडियां हैं इन्हें हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये हम ग्रेवी वाली भिंडी बना रहे हैं तो क्या होता है कि उसी में हम अगर कच्ची भिंडी डालेंगे तो ये अच्छे से पकेगी नहीं, इसे हम ब्राउन करके भिंडी को निकाल के फिर उसमें ऐड करेंगे। ये हम धीमी आंच में इसे पकने देते हैं ब्राउन होते तक। फ्रेंड्स, मैंने इसमें बीच से कट लगाई है तो ये आप देख सकते हैं ये फूटने लगती है तो हम इसे ढक के भी फ्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो भिंडियां हैं ये ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल रहे हैं। बाकी की जो भिंडी है इन्हें भी हम पूरा डाल देंगे। और इसे थोड़ा ढक देंगे, अगर अगर कहीं ये फूटने लगती है तो ऊपर भी उड़ जाते हैं तो इन्हें ढककर हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो भिंडी है हम इसी प्रकार से ये जो बाकी भिंडियां हैं इन्हें भी निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसे ब्राउन भी कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद भी हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें ब्राउन कलर ही करना है, आप चाहे तो ब्राउन होने से पहले भी इसे निकाल सकते हैं क्योंकि थोड़ा तो फ्राई हो ही जाती है, ये पक ही जाती है। हमने ये भिंडियाँ निकाल ली है पूरी, इसको हम बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी भिंडी फ्राई हो गई है, अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन कर देते हैं और इसमें जो हमारा तेल है ग्रेवी बनाने के लिए तो ये मैंने तेल इसमें ऐड कर दिया है। तेल हमारा गरम हो रहा है धीमी आंच में। तो फ्रेंड्स, हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हमारे जो खड़े मसाले हैं इन्हें मैं डालूंगी। सबसे पहले तो
और हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इन्हें हम डालेंगे अब। और अब ये जो प्याज है इन्हें भी हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने प्याज डाल दिए, ये धीमी आंच में पकेंगे अब, और इसे कम से कम 5 मिनट लगेगी पकने में धीमी आंच में, बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे प्याज है ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, हमने इसे 5 से 7 मिनट तक पकाया होगा धीमी आंच में। और ये देखिए बीच बीच में मैंने इसे हिलाया भी है। और अब हमारे जो टमाटर है इन्हें हम डालेंगे। ये ब्राउन सबसे इम्पोर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि अगर ये प्याज का कलर चेंज होगा उसके बाद ही हमें डालना है, नहीं तो ये व्हाइट व्हाइट दिखेगा और उसकी ग्रेवी का कलर अच्छा नहीं आता है। तो ये ब्राउन हो चुके हैं और मैं ये टमाटर का पेस्ट है इसे डाल रही हूँ। इसी तरीके से इसे हिला देना है। तो फ्रेंड्स इसे अच्छे से चला देंगे और इसे ये जो हमने टमाटर का पेस्ट डाला है ये अच्छे से पकने देंगे, धीमी आंच में पका रही हूँ। और इसको हम तब तक पकाएंगे तब तक ये तेल ना छोड़ दे, इसका पानी अच्छे से उठ जाए, तब तक हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो हमारे टमाटर डालने के बाद ये तेल छोड़ रहा है, ये जो हमारी ग्रेवी है ये तेल छोड़ने लग गई है, काफी अच्छे से पक चुकी है। अब हमारे जो मसाले हैं जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, पूरे मसाले इसमें डाल दूंगी। काफी अच्छा कलर आ गया है और खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है इसके अंदर से, मैंने ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, और इससे भी ज्यादा खाते हैं तो और भी ज्यादा ऐड कर सकते हैं, आप मिर्च अपने हिसाब से ले लें। हमने इसे मसालों को मिला दिया है। अब हमारी जो भिंडी है इन्हें हम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो भिंडी है मैंने इसमें ऐड कर दी है, और ये जो भिंडियां हैं इन्हें हम ढक के पकाएंगे अब, ताकि ये जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी जो भिंडी है ग्रेवी के साथ सॉफ्ट हो जाएगी। तो हम इसे 10 मिनट तक और पकाएंगे, ढक के पकाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, ब्राउन तो हो ही गई है। तो फ्रेंड्स मैंने इसे 5 मिनट धीमी आंच में पका लिया है, ये काफी अच्छे से पक चुकी है ये जो भिंडी है, आप देख सकते हैं ये एकदम सॉफ्ट हो गई है हमारी जो भिंडियां हैं। और ये जो हमारी धनिया पत्ती है मैं इसमें अब ऐड कर देती हूँ। अब हम इसे ठंडा होने का इंतजार करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी ये ग्रेवी वाली भिंडी बनके रेडी हो चुकी है, अब हम इसको खा सकते हैं, पूरी पराठे या रोटी चपाती के साथ ये खाई जाती है, और आप किसी भी अच्छे दिन में बना सकते हैं, किसी भी फंक्शन में बना सकते हैं, आप आपके घर में कोई भी त्योहार रहे स्पेशल डे में आप स्पेशल बना सकते हैं इसे रेसिपी, और आप इसे जरूर ट्राई करें। और आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक और शेयर करना तो फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारा मालवा रेसिपी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को और खाने को भी मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर रेसिपी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारा malwarecipes.com में जाकर डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज के साथ, हैप्पी कुकिंग।